नमस्कार मित्रों, आप सभी का आरपीएससी के इस लाइव टेस्ट सेशन में हार्दिक स्वागत। इस सेशन के अंतर्गत हम आरपीएससी के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विकली रिवीजन कर रहे हैं, जो हमने पिछले लाइव सेशन में विस्तार से विश्लेषणात्मक रूप से इनका डिस्कस किया था। तो आज का हमारा पेपर जो रहेगा वो सेकेंड ग्रेड एग्जाम का है, संस्कृत शिक्षा का, जो कि फरवरी 2019 में आरपीएससी ने आयोजित करवाया था। तो चलिए क्विकली इसका रिवीजन करते हैं और आप भी साथ ही साथ प्रश्नों के सही आंसर हैं वो बताते हुए चलिए, आप कितने प्रश्न हैं वो सही कर पाते हैं इस सेशन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विमला जी, मंगेश कुमार जी, आनंद जी, अनिल कुमार जी, वंदना जी गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत। भानु जी, सांकला, कमल कुमार जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मित्रों। पहला प्रश्न है आपके सामने, लोक देवता और मुख्य तीर्थ स्थल कल्लीनाथ जी, तेजाजी, देवनारायण जी, पाबू जी, इनको हमें सुमेलित करना है सही से। तो कल्लीनाथ जी का संबंध पंचोटा गांव जालोर से है, एक में ए हो जाएगा। तेजाजी ये है पर्वतसर नागौर से, देवनारायण जी है आसिंद भीलवाड़ा और पाबू जी कोलुमंड फलोदी जोधपुर। तो एक में एक, उसके बाद में दो में बी, एक और चार दोनों में है। इसके बाद में और नेक्स्ट देखते हैं, तीन में डी, यानी कि ऑप्शन चार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जो भी चार बता रहे हैं बिल्कुल, संगीता जी, पूजा जी, भानु जी, सांकला, आप सही बता रहे हैं बिल्कुल, रमेश जी। नेक्स्ट प्रश्न है, संत पीपा के गुरु कौन थे, रामानुज, कबीर, रामानंद या शंकराचार्य। तो संत पीपा के गुरु रामानंद जी थे, ऑप्शन तीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन्ना, सेना, रिदास, कबीर, नरहरी, इन सभी के गुरु थे वो रामानंद जी थे, तीन नंबर करेक्ट आंसर होगा हमारा। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, बाणगंगा का मेला, पुष्कर का मेला, सुरसरा का मेला या फिर बेणेश्वर का मेला। तो बेणेश्वर धाम, इसे ही आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जो कि माघ महीने में डूंगरपुर में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा करेक्ट आंसर, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। नेक्स्ट है, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं किसना आडा, भक्त राम शाह, बांकीदास, नरोत्तम। तो बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक भक्त राम शाह है, ऑप्शन दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसना आडा, इन्होंने लिखा था रघुवर जस प्रकाश, आपको याद होगा। बांकीदास ने बांकीदास रिख्यात नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ है उनकी रचना की थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राजस्थान, और एक सवाल आपसे जो कमेंट बॉक्स में अभी आपको जवाब देना है कि दुर्शा अड्डा ने किस ग्रंथ की रचना की थी, आप कमेंट करके बताइए। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? तो संयुक्त राजस्थान का आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान अस्तित्व में आया था, और इसका उद्घाटन कौन करते हैं, माणिकलाल वर्मा, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर के एम मुंशी। ऑप्शंस इसमें दो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, जवाहरलाल नेहरू। लोचन जी, माली लिख रहे हैं, आरपीएससी ने अब कितने पेपर करवाए हैं, ये सभी हम जो भी आपके एक्स्ट्रा क्वेरीज है इसका डिस्कस हम वीडियो के अंत में करेंगे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान एकीकरण के तृतीय चरण, जो संयुक्त राजस्थान के नाम से जाना जाता है, इसका उद्घाटन किया था, और इनके मुख्यमंत्री थे माणिकलाल वर्मा, ठीक है, और भूपाल सिंह राज प्रमुख बने थे। नेक्स्ट है, किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में भी जाना जाता है, चौथ माता, छींच माता, घेवर माता और महामाया। विरुद्ध चैतरी, किरतार भावनी, संगीता जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, मोनू जी भी किरतार भावनी, बलराम जी मीणा बिल्कुल, विरुद्ध छतहरी और किरतार भावनी दुर्शा आडा की प्रमुख रचनाएं हैं। शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में महामाया को पूजा जाता है, ऑप्शंस नंबर चार करेक्ट है, और महामाया इसे ही आपकी शीतला माता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की, मगाराम वैद्य जो कि बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक हैं, बीकानेर, कलकत्ता, बंबई और अजमेर। तो इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी कलकत्ता में, आप कमेंट करके बताइए कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना है वो कहां पर हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है,
राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा, 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो 869 किलोमीटर है। ऑप्शन तीन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, लूनी जवाई बेसिन, घग्गर का मैदान, चंबल बेसिन या काली सिंध बेसिन। तो गोडवाड़ प्रदेश इसे लूनी जवाई बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और घग्गर का बेसिन नाली के नाम से, चंबल बेसिन आप सभी को पता होगा बेडलैंड टोपोग्राफी यानी कि उत्खात स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर किस प्रकार की जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है? BWHW, BSHW, CWGAW। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा BWHW। जैसलमेर का भाग, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ ये सभी आपका इसी BWHW के अंतर्गत आते हैं। BSHW के अंतर्गत जो कि अरावली और जो शुष्क प्रदेश है इसके जो बीच वाला भाग है वो आता है आपका नागौर, जालौर, बाड़मेर ये क्षेत्र। CWG यानी कि उत्तर पूर्वी राजस्थान, और AW के अंतर्गत आपका राजस्थान का दक्षिणी भाग आता है। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? किशनगढ़, आगरा, जोधपुर और वृंदावन। तो सावंत सिंह ये नागरीदास के रूप में भी जाने गए थे और इनकी मृत्यु हुई थी वृंदावन में। और बनी ठनी किशनगढ़ चित्र शैली की प्रसिद्ध विशेषता है। बनी ठनी का विकास भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। बनी ठनी इनकी प्रेमिका है वो मानी जाती थी। आप कमेंट करके बताइए कि बनी ठनी का चित्रांकन है वो किसने किया था, उसके चित्रकार का क्या नाम है। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत है, प्रोटेक्टेड एरिया कितना है वनों का? 52.38%, 48.56%, 55.64% या फिर 56.08%। यहाँ पर ऑप्शंस तीन हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पूछा है 55.64%, रिजर्व पूछे तो 38.11%, अनक्लासिफाइड पूछे तो 6.925%। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल, निहाल चंद मोर ध्वज ने बनी ठनी का चित्रांकन किया था नागरीदास या सावंत सिंह के शासनकाल में। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन को जाता है। और आपकी बात करें तो इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फसल और उपज किस्म। ये जो फसलें हैं ये इन फसलों की किस्मों की क्या नाम है, वेराइटीज कौन कौन सी है? गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का। गेहूं, गेहूं की फसल की बात करें, इसकी वेराइटी की बात करें तो गेहूं राज 3077 है। जौ की यहाँ पर वैरायटी है वो RD2035 है। बाजरा की वैरायटी है RHB30 और मक्का की है माही कंचन और माही धवल। इसके अलावा गेहूं की और वैरायटी देखी जाए तो आपकी सोनालिका है, सोना कल्याण है, सरबती है, इस प्रकार की गेहूं की वैरायटी है जो आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। टीकम जी गुप्ता एक बता रहे हैं, तो एक में हमने चार लिखा, राज 3077, जो की किस्म है वो RD2035 है, तो बिल्कुल यही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट है राजस्थान में पूगल नस्ल है, बकरी की, भेड़ की, गाय की, ऊंट की। तो ये नस्लें हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था क्योंकि प्रत्येक परीक्षाओं में इनसे संबंधित आपको निश्चित तौर पर प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो पूगल आपकी भेड़ की नस्ल है, ठीक है, पूगल हो गई। इसके अलावा चनोथर, सोनाणी, नाली, चोकला ये सभी आपकी भेड़ों की नस्लें हैं। कौन सी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? मानसी, पार्वती, कोठारी और मोरेल। पार्वती जो कि चंबल की सहायक नदी है ना कि बनास की। ऑप्शंस दो हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही है। बच्चों का लिंगानुपात 888 था, महिला साक्षरता का प्रतिशत 52.1 था, अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST की जनसंख्या 16.9% थी, नगरीय जनसंख्या यानी कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 25.1% थी। इसमें आपको कूट के माध्यम से देखना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है इसका।
देखिए, एक नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 888 है, और ऑल ओवर राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। ठीक है, सबसे ज्यादा है आपका डूंगरपुर का ऑल ओवर, और सबसे कम है धौलपुर का। दूसरी बात करें महिला साक्षरता का प्रतिशत, तो विमेन लिटरेसी रेट है वो आपकी कितनी है, 52.1%। बिल्कुल करेक्ट है, तो एक और दो करेक्ट है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या है 13.5%। ठीक है, 13.5% है अनुसूचित जनजाति, और एससी पूछे तो 17.8% बताएंगे, और अर्बन पॉपुलेशन है वो आपकी 24.9% है, ना कि 25.1। तो ये डी और सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा, एक और दो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। वैसे इन सभी प्रश्नों का बहुत ही अच्छी तरीके से विश्लेषणात्मक रूप से हमने पिछले लाइव सेशन में डिस्कस किया था, तो आप सभी से मेरा आग्रह यही रहेगा कि ये हमारा केवल क्विक रिवीजन सेशन है। इसमें हम केवल प्रश्नों का आंसर देखेंगे सीधे तौर पर। विश्लेषणात्मक रूप से आप देखना चाहते हैं तो उन लाइव सेशन को जरूर देखिए, जो आपको आरपीएससी के प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे इसी चैनल पर, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न है। राजस्थान के पर्यटन केंद्र दे रखे हैं और जिले दे रखे हैं। फूल सागर, गागरोन का किला, जगदीश मंदिर, किराड़ू मंदिर, ये कहाँ लोकेटेड है। फूल सागर आपका बूंदी जिले में है, गागरोन का किला आपका झालावाड़ जिले में है, जगदीश मंदिर उदयपुर में है, और किराड़ू मंदिर आपका बाड़मेर में है। इनमें से बताइए कि किसको राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, आप कमेंट करके बताइए जरा। यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर, दोनों में ये चीजें कॉमन है, जगदीश मंदिर जो कि उदयपुर में है। ऑप्शंस 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। तो अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है, फूल मंदिर बूंदी में है, और बूंदी को स्टेप वेल्स यानी कि सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है, यानी कि दूध दूध बावड़ी माउंट आबू, बिल्कुल दूध बावड़ी माउंट आबू में है। और बूंदी को छोटे काशी के अलावा क्या कहा जाता है, हाल ही के परीक्षा में पूछा गया था, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स यानी कि बावड़ियों का शहर कहा जाता है आपका इसी बूंदी को। नेक्स्ट है, राजस्थान डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष होती है, 1978, 1985, 1972, 1975। तो राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि RSDDC, इसकी स्थापना होती है 1975 को। ठीक है, ऑप्शंस नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, किराड़ू राजस्थान का खजुराहो। तो बताइए राजस्थान का, हाँ कमल कुमार जी ने बता दिया है, अंबिका मंदिर राजस्थान का साउथ खजुराहो। और बताइए कि हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, पहाड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है, ताम्र उपकरण, सेल खड़ी मन के, लेपिस लाजुली, टेराकोटा मन के। तो इनका भी हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था, लेपिस लाजुली है ये पहाड़ का बाहरी कॉन्टेक्ट होने का, बाहरी संपर्क होने का संकेत देती है। तो ऑप्शंस 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेपिस लाजुली। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है, ए रो ऑफ 7 फायर अल्टर्स, पहाड़, विराट, गणेश्वर या फिर कालीबंगा। 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति हमें कहां से मिलती है, ऑप्शंस नंबर 4 हो जाएगा, कालीबंगा से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, यानी कि ऐसी चट्टाने जहां पर पेंटिंग की हुई है वो हमें कहां से मिली है, बेराट, कालीबंगा, आहड़, बनवाली। ऑप्शंस 1 हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, बेराट जो कि जयपुर में है। महाभारत कालीन अवशेष यहां पर मिले हैं, पांडवों के अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर पांडवों ने एक वर्ष भी बिताया था विराट नगर में। तो 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक का भाबरू शिलालेख भी आपका यहीं से मिला है। रणथंभौर के शासक हम्मीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, तैमूर खान, मोहम्मद शाह, खेबरू, मोहम्मद खान। तो महमूद शाह और खेबरू को इन्होंने यहाँ पर शरण दी थी,
और महमूद शाह के शरण देने पर ही यहाँ पर आक्रमण किया था। किसने? एक के ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। कब किया था? 1301 में, और 11 जुलाई 1301 में यहाँ पर इन्होंने इस दुर्ग पर जीत है वो प्राप्त कर ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो महमूद शाह ऑप्शंस नंबर 2 है करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि हमीर देव चौहान की उस रानी का क्या नाम था जिन्होंने यहाँ पर जोहर किया था, और इनकी एक पुत्री थी जिन्होंने जल जोहर भी किया था। नाटक है जिसका नाम है ललित विग्रहराज, इसकी रचना है वो कौन करते हैं? हेमचंद्र सूरी, राजशेखर, सोमेंद्र या फिर प्रचंद्र बरदाई। तो ललित विग्रहराज जिसकी रचना कौन करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सोमेंद्र द्वारा यानी कि सोमदेव, ललित विग्रहराज सोमदेव के द्वारा इसकी रचना होती है। ठीक है, हेमचंद्र सूरी, हेमचंद्र सूरी ने कौन सी रचना की थी? देसी नाममाला और शब्दा अनुशासन। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था, ये भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? शीतल देव, कान्हड़ देव, मेहलक देव या विशल देव। हाँ, रंग देवी ने जोहर किया था। हाँ, पद्मला, इसकी पुत्री का नाम था पद्मलता जिन्होंने जोहर किया था। जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? शीतल देव, कान्हड़ देव, मेहलक या विशल देव। तो यहाँ पर जालौर का शासक पूछा है कान्हड़ देव है, और पद्मनाभ ने कान्हड़ देव प्रबंध भी लिखा था ये जालौर का, और यहाँ पर आक्रमण करता है एक-एक खिलजी 1308 पर। शीतल देव या सातल देव आपका कहाँ का था? शिवाना बाड़मेर का था। ठीक है, और यहाँ पर शिवाना पर आक्रमण होता है 1308 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किस पुरातात्विक किस ताम्रपाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्रियां प्राप्त हुई हैं? आहड़, बेराट, कालीबंगा और गणेश्वर। तो सबसे ज्यादा आपकी ताम्र सामग्रियां हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई है? गणेश्वर से प्राप्त हुई है। गणेश्वर शिखर में है, कांतरी नदी के किनारे, और यहाँ पर जो कॉपर मिला है उसमें 99% प्योरिटी है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। कौन से शासक गौड़ यानी कि बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? काकू का, देवपाल, त्रिलोचन पाल, राम भद्र। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा देवपाल। देवपाल जो कि बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था। प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजरानी कहाँ स्थापित की? कल ही मैंने आपको फटाफट ये भी चीज बताई थी। प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी चावंड, गोगुंदा, दिवेर और चित्तौड़। ऑप्शंस एक हो जाएगा करेक्ट आंसर। नई राजधानी अपनी चावंड में बसाई थी 1585 यानी कि 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था, उसके बाद में 1585 में चावंड यहाँ पर राजधानी बसाई, और चावंड बांडोली में इनका अंतिम संस्कार भी यही हुआ था। इनकी छत्री भी यही है बांडोली में। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? श्री सत्यदेव विद्यालंकार, श्री हरिनारायण शर्मा, काशीराम गुप्ता या मास्टर भोलानाथ। तो श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल में जागीर माफी प्रजा सम्मेलन आयोजित हुआ था उसका उद्घाटन किया था श्री सत्यदेव विद्यालंकार। नेक्स्ट है, विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे, यानी कि यहाँ पर विजय सिंह पथिक के भूप सिंह की बात हो रही है। इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा भी स्थापित की, इन्होंने सेवा समिति की भी स्थापना की, और नेक्स्ट जो विकल्प है वो ये है कि साधु सीताराम दास के साथ में मिलकर एक अखाड़ा भी इन्होंने है वो स्थापित किया है। तो इसमें आपके सभी जो विकल्प हैं वो सही हैं, ए बी सी और डी यानी कि चारों ही सही हैं। इसके अलावा जो तीन समाचार पत्र थे, केसरी, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, इसमें भी विजय सिंह पथिक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और बिजोलिया किसान आंदोलन है, इनको भी संपूर्ण भारत में प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से चर्चा का विषय इन्होंने और गणेश शंकर विद्यार्थी ने बनाने का प्रयास है वो किया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अंतिम सवाल हमारे इस सेशन का,
किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? जगदेव, विग्रहराज, चतुर्थ, देवदत्त और अर्णोराज। तो ज्वालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित है वो किसने किया था? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, अनिल कुमार जी लिख रहे हैं, आप बताइए कि बिसलदेव पर एक ग्रंथ लिखा था बिसलदेव रासो और एक है हरिकेली, तो हरिकेली जो नाटक है वो किसने लिखी थी? और इस नाटक की कुछ पंक्तियां हैं वो भी आपको, हाँ मैं बता देता हूं अभी भी अनिल कुमार जी, 91 को पुनः चेक करें, कर देता हूं एक बार, आप रुकिए। किस पुरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो 91 में आपका करेक्ट आंसर है विराट, विराट जयपुर विराटनगर है, यहीं पे आपके पेंटिंग जो कि रॉक पर चट्टानों पर पेंटिंग की हुई है वो आपको यहाँ से मिली है। और आपको किस प्रश्न में डाउट है एक बार बता दीजिए, और भी किसी को कोई डाउट हो तो। विग्रहराज चतुर्थ ने आपकी हरिकेली की रचना की थी और ललित विग्रहराज स्टेनोग्राफर के पेपर की पीडीएफ, हाँ स्टेनोग्राफर के पेपर की, हाँ वो सॉरी मैं भूल गया था, मैं डाल दूंगा जल्द ही, स्टेनोग्राफर के पेपर की है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आपको 91 का मैं बता चुका हूँ, इसका करेक्ट आंसर एक है, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और आपको किस में डाउट है? 10 नंबर बोल रहे हैं, 10 नंबर भी देख लेते हैं हम। देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले हैं वो कौन से कृषि जलवायु, सॉरी कौन से क्लाइमेट रीजन में आते हैं, जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो BWHW आपका करेक्ट आंसर है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, ये इसी के अंतर्गत आते हैं आपके। ठीक है, तो आई थिंक आपको किसी भी प्रकार के किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, कॉपर आपका आहट से भी मिला है और इस गणेश्वर सभ्यता से भी मिला है आपका। यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है, तो सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री से पूछा जाए, या फिर शुद्धता यानी कि क्वालिटी की भी बात आए कॉपर की, तो वो आपकी गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुई है। लेकिन आहड़ भी एक ताम्रयुगीन सभ्यता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो कॉपर कहाँ से मिले हैं, तो ये आपके गणेश्वर, आप करेक्ट आंसर इसका बताएंगे। ठीक है, हाँ ललित विग्रहराज सोमदेव और हरिकेली नाटक है वो विग्रहराज चतुर्थ ने लिखी थी। ठीक है, तो सभी को शुक्रिया लाइव सेशन में जुड़ने के लिए, कल फिर मिलेंगे इसी समय और महत्वपूर्ण पेपरों के साथ में क्विकली रिवीजन करेंगे, और जो विश्लेषणात्मक रूप से अगर आप देखना चाहते हैं इन पेपरों के डिस्कस को, एनालाइजिस को, तो आप वीडियो डाले हुए हैं आरपीएससी की प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगी सारी की सारी चीजें, वहां से आप उनको कवर कर सकते हैं। और भी इन को प्रैक्टिस के रूप में, इन पेपरों को डाउनलोड करके अच्छी तरीके से भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आरपीएससी के 2015-16 से लगा करके 2020-21 तक जितने भी नवीनतम पेपर्स हुए हैं उनकी विद आंसर की आपको सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज मैटर है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट टू ऑल। मोहन जी शर्मा, ओम प्रकाश जी बाड़मेर, कविश जी जैन, पूर्ण जी चौधरी, हर्षवर्धन जी, अनिल जी शर्मा, आप सभी को शुक्रिया, कल फिर मिलेंगे। और आपसे निवेदन रहेगा कि ये हमारा क्विक रिवीजन सेशन है, इसको और भी अपने मित्रों के साथ में जब लाइव सेशन हमारा स्टार्ट होता है तो उस समय आप एक बार शेयर जरूर करें। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू ऑल।